हेलो एंड वेलकम टू दी जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। हाल ही में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे इजिप्ट के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर वे इजिप्ट के सीनियर मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकात करेंगे और भारत और इजिप्ट दोनों देशों के मध्य डिफेंस टाइज और बाइलेटरल रिलेशंस को और मजबूत करने का काम करेंगे। इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के इजिप्ट दौरे को और भारत और इजिप्ट के बाइलेटरल रिलेशंस को। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि डेली बेसिस पर इस चैनल पर हम यूपीएससी से रिलेटेड करेंट अफेयर्स की वीडियोज अपलोड करते रहते हैं। तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो पहले हम जान लेते हैं कि इजिप्ट स्थित कहाँ है। तो इजिप्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित है। यह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में स्थित है, जहां पर यह मेडिटेरेनियन सी और रेड सी दोनों को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि इजिप्ट के थ्रू ही स्वेज कैनाल गुजरता है। तो इजिप्ट का स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजिप्ट के जरिए ही यूरोप और एशिया का जुड़ाव होता है और यहाँ से लगभग दुनिया का 12% व्यापार किया जाता है। तो इजिप्ट के इस दौरे में आर्मी चीफ इजिप्ट के रक्षा मंत्री और इजिप्ट के आर्म्ड फोर्सेज के चीफ के साथ भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ इजिप्ट के वेरियस मिलिट्री प्रोडक्शन हाउसेस का भी दौरा करेंगे। अब भारत और इजिप्ट के रिलेशंस काफी पुराने और इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको लेकर यूपीएससी काफी सजग रहती है और इससे रिलेटेड सवाल भी पूछती रहती है, और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछे जाने की संभावना भी काफी ज्यादा है, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी भारत के दौरे पर आए थे। इनका दौरा कब हुआ था? तो ये भारत के 74वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ये पहली बार था जब कोई इजिप्ट का प्रेसिडेंट भारत के गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ। इसके साथ ही इसी दौरान इजिप्ट आर्मी की एक टुकड़ी ने भी आर्मी के परेड में हिस्सा लिया था। इसके अलावा इसी साल ही भारत और इजिप्ट दोनों की आर्मी एक साइक्लोन वन नामक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी इसी जनवरी महीने में की थी, और यह दोनों सेनाओं के बीच पहली बार था जब ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है। तो भारत डिफेंस सेक्टर में भी इजिप्ट के साथ अपने रिलेशंस को बिल्डअप कर रहा है। तो सवाल अब यह आता है कि इजिप्ट भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसका एक लाइन में जवाब होगा कि इजिप्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इजिप्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है, जो कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में स्थित है, जिसके बीच से स्वेज कैनाल गुजरती है, जो कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच मरीन लिंक रूट है। इसी स्वेज कैनाल की वजह से यूरोप एशिया महाद्वीप से मरीन रूट से जुड़ पाता है, और इस स्वेज कैनाल के थ्रू पूरी दुनिया का 12% इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली भारत की बात करें, तो भारत इजिप्ट से बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, और चूंकि इजिप्ट अरब लीग का एक मेंबर है और अरब लीग के हेडक्वार्टर्स भी इजिप्ट की राजधानी कैरो में स्थित है, तो इसलिए भी इजिप्ट भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत अरब देशों के साथ अपने रिलेशंस को और मजबूत बनाने में लगा हुआ है। अरब लीग में सऊदी अरब, यूएई, ओमान, बहरीन, इराक, कुवैत, इजिप्ट इत्यादि देश आते हैं, जो कि भारत के स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इजिप्ट एक इस्लामिक कंट्री है और ओआईसी का भी मेंबर है, तो इजिप्ट का इस्लामिक देशों के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस भी है, और भारत और इजिप्ट के रिलेशंस और मजबूत होने से भारत को इस्लामिक देशों पर पकड़ बनाने में और मजबूती मिलेगी, और इजिप्ट आतंकवाद और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ मुस्लिम देशों में एक प्रखर आवाज भी है, तो इस वजह से भी भारत के लिए इजिप्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यदि हम भारत और इजिप्ट के रिलेशंस की बात करें, तो ये हजारों साल पुराने हैं। प्राचीन समय में इजिप्ट को मिस्र के रूप में जाना जाता था, और उस समय इजिप्ट और भारत के व्यावसायिक रिलेशंस आपको बता दूं काफी मजबूत थे। इसके प्रमाण भारत और इजिप्ट दोनों देशों में खुदाई के बाद मिले पुरातात्विक अवशेषों से मिलता है, और यदि हम 20वीं सदी की बात करें, तो दोनों देश इजिप्ट और भारत दोनों देश ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हैं, और जिस तरह से भारत में महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन को चलाया था अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए, ठीक उसी तरह इजिप्ट में साद नाम की एक लीडर ने उस समय इजिप्ट में सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन चलाया था, और भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही दोनों देशों के रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1955 में इजिप्ट के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी, और भारत स्वतंत्रता के तुरंत बाद में यानी 18 अगस्त 1947 को ही इजिप्ट के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्थापित कर लिया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले भी और वर्तमान समय में भी
भारत के लिए इजिप्ट काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों देशों के रिलेशन सदियों से काफी अच्छे रहे हैं। इसका उदाहरण आप इस बात से समझ सकते हैं कि साल 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के राष्ट्रपति नसर और यूगोस्लाविया और इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्षों ने साथ मिलकर नाम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना की थी। और आज के वर्तमान समय में जब भारत G20 का प्रेसिडेंट है और इस साल G20 को होस्ट कर रहा है, तो इस समय भी भारत ने इजिप्ट को एक गेस्ट कंट्री के रूप में इनवाइट किया है। तो अब हम यदि दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो दोनों देशों के बीच ट्रेड लगभग $8 बिलियन का है। इजिप्ट में भारत की लगभग 50 बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट भी किया है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस परेड के दौरान जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने भारत का दौरा किया था, तो उस समय इजिप्ट ने भारत को स्वेज कैनाल इकोनॉमिक जोन में इंडियन इंडस्ट्री को लगाने के लिए जमीन भी ऑफर की हुई है। इसके अलावा स्पेस में भारत और इजिप्ट अपने कोलेबोरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसरो के लिए इजिप्ट एक बहुत बड़ा बाजार हो सकता है। इसरो इजिप्ट के सैटेलाइट्स को लॉन्च करके काफी मुनाफा कमा सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इजिप्शियन स्पेस एजेंसी को 2019 में ही स्थापित किया गया है। तो ये एजेंसी फिलहाल सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकती है। तो ऑटोमेटिकली ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि भारत स्पेस सेक्टर में इजिप्ट के साथ अपने कोलेबोरेशन को और आगे बढ़ाए। अब दोनों देशों के बीच डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा संभावना है। दोनों देशों के रिलेशंस काफी मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि आप सोच कर देखिए 1960 के दशक में भारत और इजिप्ट साथ मिलकर ज्वाइंट फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम कर रहे थे। हालांकि किसी कारणवश ये चल नहीं पाया, लेकिन इससे साफ होता है कि दोनों देशों के बीच डिफेंस सेक्टर को लेकर काफी अपॉर्चुनिटीज है। भारत इजिप्ट को अपने डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि इजिप्ट भी भारत के LCA तेजस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे डिफेंस आइटम्स को लेकर काफी इंटरेस्टेड है। और मैं आपको बता दूं, आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे भारत इजिप्ट को बहुत सारे डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहा होगा, और इजिप्ट के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस भी भारत के बहुत स्ट्रांग होंगे। इट कैन बी वेरी मच हैपन। सो इंडिया और इजिप्ट का फ्यूचर ब्राइट है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग, बाय बाय।